नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश यादव स्वागत करता हूं आपका विज्ञान पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग फ्रांस की क्रांति के विषय में पढ़ रहे थे। कल हम लोग एक बार पहले रिवाइज करेंगे कि कल की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। कल की वीडियो में हम लोग फ्रांस की क्रांति के मूल कारणों के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने वहाँ की सामाजिक संरचना और राज्य की स्थिति को देखा था। सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कि वो समाज जो था फ्रांस का, वो तीन भागों में बटा हुआ था। पहला स्टेट्स जो था पादरियों का, दूसरा जो था कुलीनों का, और तीसरा वर्ग था जिसमें आम जनता आती थी। पादरी वर्ग और कुलीनों के विषय में आपको पता है कि ये जो प्रभावशाली वर्ग थे और इनकी जो जनसंख्या है समाज में वो 10% थी, लेकिन ये पूरे मतलब समाज की संपत्ति के 60% का वहन करते थे, ठीक है, और ये राजा के बहुत करीब माने जाते थे। जनता वर्ग जो थी 90% जनसंख्या थी, लेकिन ये 40% संपत्ति का वहन करते थे, और ये दो प्रकार के टैक्सों का वहन करते थे, एक पादरी के द्वारा लगाया जाता था और दूसरा राज्य के द्वारा लगाया जाता था। और हमने राज्य की स्थिति में जाना था कि लुई 16वां जिस समय राजा बने, राजकोष खाली था, ठीक है, और उनके जो वर्साय का महल था उसकी फिजूल खर्ची बहुत अधिक थी, लगातार युद्ध में रहे, जिसकी वजह से इनके राजकोष पूरा खाली था और ये कर्ज में भी चल रहे थे। जनता के विषय में हमने समझने का प्रयास किया था कि ये जो दो वर्ग थे इनका करों में छूट था, लेकिन ये जो जनता थी दो प्रकार के टैक्सों का वहन करती थी। इसके पास केवल समाज की 40% संपत्ति थी, ऊपर से मौसम की मार और जो मतलब फसल है उसके खराब होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हुआ करती थी। ठीक, इसके आगे हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारण थे, ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति के ठीक पहले उसको प्रेरित करने का कार्य किए, जिन्होंने चिंगारी का काम किया इस फ्रांस की क्रांति को भड़काने के लिए। आइए बाबा आगे देखते हैं। जो फ्रांस की क्रांति होने से ठीक पहले जो एक प्रक्रिया समाज में चल रही थी वो थी मध्य वर्ग का उदय। अब हम ये समझेंगे कि ये मध्य वर्ग क्या है। मध्य वर्ग समाज का वो वर्ग था जिसने समुद्री व्यापार जिसमें उसने मुख्यतः रेशम के कपड़े का व्यापार किया और ऊनी कपड़ों का व्यापार किया। ये समुद्री व्यापार के माध्यम से ऊनी कपड़ों और रेशम के कपड़ों का व्यापार करके इसने अच्छा खासा धन अर्जित किया था, और उसी समय समाज में जो दार्शनिक जो समय थे, तीन दार्शनिक मुख्यतः थे जिनमें रूसो का नाम आता है, जिसमें जॉन लॉक का नाम आता है, जॉन लॉक आ गए, और तीसरे जो दार्शनिक थे जॉक हो गए, ठीक है ना। ये दो चीजें ऐसी थी जिनका इस मध्य वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पहला क्या था, समुद्री व्यापार जिसमें रेशम और उन्हीं कपड़ों का व्यापार शामिल था, जिसके कारण क्या हुआ, इस मध्य वर्ग के पास अच्छा खासा पैसा आ चुका था। और दूसरे ये दार्शनिक थे जिसमें रूसो थे, जॉन लॉक और जियाजाक थे, जो इनको विचारों के माध्यम से क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे, ठीक है। ये जॉन लॉक जो थे वो राजा जो था, राजा के दैवीय अधिकार जो थे, उसकी निरंकुशता जो थी, उसके खिलाफ ये लगातार आवाज उठा रहे थे, और रूसो जो है समाज में हमेशा से समानता की बात को बढ़ावा देने की कोशिश करते रहे, ठीक। और ये जो मध्य वर्ग है इसने इनके विचारों को आम जनता के बीच भी पहुंचाने में काफी मदद किया। ये लोग क्या करते थे, इनके विचार जो कि पेम्पलेट के माध्यम से प्रचारित किए जाते थे, जो कि समाचार पत्रों में छपा करते थे, उसको लेकर के ये सार्वजनिक जगहों पर जाया करते थे, जैसे कि होटल हो गए, कैफे हो गए, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये लोग जाते थे और इनके विचारों को वहां पर जोर जोर से पढ़ते थे, ताकि जो अनपढ़ जनता है, जो निरक्षर जनता है, वो भी इनके विचारों से परिचित हो सके और क्रांति के लिए तैयार हो सके। आप लोग देख रहे हैं ना कि अभी जो पहले जो मतलब वर्ग था समाज का जो पुराना विभाजन था, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता का वर्ग आता था, उसमें अब एक नया वर्ग जुड़ रहा है जिसको हम मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं, और ये मध्य वर्ग अमीर भी है और इन दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित है, ठीक है, और वो मतलब क्रांति के लिए खुद तो तैयार है ही और पूरे समाज को भी तैयार करने का कार्य कर रहा है। यानी कि फ्रांस की क्रांति में इस मध्य वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी तक हम लोग
फ्रांसीसी क्रांति के ठीक पहले समाज की स्थिति को समझ चुके हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति को समझ चुके हैं, और ये जो मध्य वर्ग का योगदान रहा है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसी होती है और उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में क्या क्या चीजें घटित होती हैं, उसके बाद फिर हम लोग और आगे की चीजें देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति का प्रारंभ। क्रांति का प्रारंभ हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या देखा था कि लुई 16वां राजा बन चुके हैं, राजकोष खाली है। राजकोष खाली ही नहीं है अपितु ये कर्जे में भी डूबे हुए हैं, इनके पास कर्ज का बोझ भी चढ़ा हुआ है, कर्ज का बोझ भी है इनके ऊपर, राजकोष खाली पड़ा है, कर्ज का बोझ है, और इस राजा की राज्य की आय का जो स्रोत है वो क्या है, जनता द्वारा दिया जाने वाला टैक्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं टाइ। राजा को इस कर्ज से मुक्ति दिलवाने के लिए और इनके जो राजकोष खाली है उसको भरने के लिए सिर्फ एक रास्ता इनके पास है, जनता के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स टाइ, ठीक है। और ये लोग जो है अभी भी ये जो राजा है वो अपने भीतर कोई सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। इनका जो वर्साय का जो महल है ये पूरी विलासिता का जीता जागता उदाहरण है, ठीक। यहाँ पर ये इसका जो रख रखाव है, यहाँ का रहन सहन है बहुत अधिक खर्चीला है, या फिर हम यूं कह लें कि बहुत ही हद तक फिजूल खर्ची से भरा हुआ है। जो राजा है चूंकि वो निरंकुश है, ठीक, उसको लगता है कि हमको कोई रोकने वाला है नहीं, तो वो क्या करता है अपनी इस फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की बजाय इस टाइल टैक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि अगर हम ये टैक्स बढ़ा लेंगे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी तो हम ये कर्ज चुका पाएंगे और अपने खाली राजकोष को भर पाएंगे, फिर अपनी विलासिता को पूर्ण कर पाएंगे। इसके लिए क्या करता है राजा, प्रयास करता है कि हम टैक्स को बढ़ा लें। टैक्स को बढ़ाने की जो समय की प्रक्रिया होती थी वो क्या थी, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राजा द्वारा बनाई गई एक मतलब सभा होती थी जिसको राजा जब मन करता था तो बुलाता था, इसको हम कहते थे स्टेट्स जनरल के नाम से हम लोग जानते थे, स्टेट्स जनरल के नाम से जानते थे, जिसकी मीटिंग कब बुलाई जाती थी, जब राजा चाहता था तब बुलाता था। जब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 1789 की घटना के विषय में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी वो इसके पहले 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, ठीक। इसके बीच में राजा को कभी जरूरत नहीं लगी और राजा ने कभी भी इस मीटिंग को बुलाने की जरूरत नहीं समझी और ये मीटिंग नहीं बुलाई गई। लेकिन अभी राजा को टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता है तो राजा जो है इसकी मीटिंग बुलाता है, ठीक। इस स्टेट्स जनरल की जो प्रक्रिया होती थी, जो सभा बुलाई जाती थी, उसमें किस तरीके से निर्णय लिया जाता था, इसके विषय में जानने का अगर हम प्रयास करें तो इसमें जो पहला स्टेट था, समाज का दूसरा स्टेट था और तीसरे स्टेट थे, इसमें से प्रतिनिधि जाते थे, ठीक। प्रतिनिधियों की संख्या से इनको कोई मतलब नहीं होता था, प्रतिनिधि कितने आए कोई मतलब नहीं है। वोटिंग जब करवाई जाती थी तो प्रत्येक स्टेट का एक वोट गिना जाता था, एक इस पहले स्टेट से एक वोट यहां से गिना जाता था, इस स्टेट का भी एक वोट गिना जाता था और इस तीसरे स्टेट का भी एक वोट गिना जाता था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये पहला और दूसरा स्टेट जो है ये जनसंख्या के सिर्फ 10% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन फिर भी जो है ये इसके पास दो वोटों की मतलब अधिकार है, और ये जो जनता है जो कि पूरे समाज का 90% है फिर भी इसके पास सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है। आज हम लोगों का विषय क्या है, करों को बढ़ाने के लिए मीटिंग हो रही है, करों को बढ़ाने से जो प्रभावित होने वाला वर्ग है वो जनता का वर्ग है, लेकिन उसको भी 3 वोट में से सिर्फ 1 वोट देने का अधिकार है, ठीक है। आज आपको लग रहा होगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उस समय की प्रक्रिया यही थी। जैसा कि आज आपको लग रहा है कि ये गलत है, उसी समय रूसों ने समाज में इस बात को प्रचारित किया था कि ये प्रक्रिया गलत है, और रूसों के विचारों से एक प्रभावित होकर के एक नया वर्ग जिसको मध्य वर्ग कहते हैं वो तैयार हो चुका था, ठीक है। तो अभी ये कहानी दोहराई जाने वाली थी नहीं, ठीक, जनता पूरी तरीके से क्रांति के लिए तैयार थी। अब की बार की कहानी क्या होती है, जब राजा इसकी मीटिंग बुलाता है तो जो फर्स्ट मतलब स्टेट्स है, फर्स्ट स्टेट से 300 सदस्य इसमें भाग लेने के लिए आते हैं,
दूसरे स्टेट से भी 300 सदस्य भाग लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो तीसरा स्टेट है इसमें से 600 लोग भाग लेने के लिए आते हैं। पहला जो वर्ग है पादरियों का वर्ग है, 300 पादरी इसमें भाग लेने के लिए आते हैं, 300 कुलीन इसमें भाग लेने के लिए आते हैं, और ये जो 600 है इसमें अधिकतर लोग मध्य वर्ग से आते हैं जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस जनरल स्टेट्स जनरल की मीटिंग में भाग लेते हैं। देखिए अभी ये जो 600 है ना ये भी पूरी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, इसमें महिलाएं मजदूर किसान ये लोग इसमें नहीं आए थे, इसमें सिर्फ शिक्षित वर्ग जो समाज का था वही जो है इस मीटिंग में आ पाया था। ठीक, अब की बार क्या होता है कि रूसों के विचारों से प्रभावित होकर के जो ये मध्य वर्ग के लोग थे इन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध किया कि तीनों ही वर्ग से एक एक वोट लिए जाएंगे। तीनों वर्ग से जो एक एक वोट लिए जाने की प्रक्रिया थी इसका विरोध कौन करता है, ये तीसरे स्टेट के जो 600 लोग हैं ये इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं। फिर ये क्या कहते हैं, ये मांग करते हैं कि अगर मीटिंग बुलाई ही गई है, अगर कर को बढ़ाना ही है तो जितने व्यक्ति इस मीटिंग में उपलब्ध हैं उन सभी लोगों का एक एक वोट काउंट किया जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाए कि कर में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी। ऐसा करने के पीछे इनका कारण था, इनको पता था कि हम लोग संख्या में 600 हैं और ये दोनों लोग मिलकर के 600 हैं तो यहाँ पर हो सकता था कि कर की बढ़ोतरी ना हो, और ये ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका भी था जिसका उल्लेख रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया था। ठीक है, ये लोकतांत्रिक तरीका था और इसमें जो है इनके अधिकारों की रक्षा होने की संभावना थी, इसी वजह से इस तीसरे वर्ग ने हर व्यक्ति के लिए एक वोट की मांग की थी। और लुई 16वां भी इस बात से बहुत अच्छी तरीके से मतलब जानते थे कि अगर इस तरीके की वोटिंग हो गई तो शायद हम करों में बढ़ोतरी ना कर पाए, और अगर एक बार ऐसा हो गया कि हम अपनी मर्जी का नहीं कर पाए तो आगे भी ये जनता हमारे विरोध में कार्य कर सकती है। इसीलिए लुई 16वां जो है अपनी जिद पर अड़े रहे और ये तीसरे स्टेट्स के लोग जो है अपनी जिद पर अड़े रहे और अंततः ये लोग जो है इस सभा का बहिष्कार करके चले गए। इन्होंने कहा कि जब अगर आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो हमारे इस सभा में आने का क्या मतलब है, आप ही लोग निर्णय ले लीजिए, हम लोग इस सभा में भाग नहीं लेंगे। ये कब की घटना है, ये घटना आपकी है 5 मई 1789 की। ये सब 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई और ये जो तीसरे वर्ग के 600 सदस्य हैं इन्होंने इस सभा का बहिष्कार कर दिया और ये इस सभा को छोड़ करके इस मीटिंग से बाहर चले गए। इन्होंने कहा कि आप निर्णय कर लीजिए क्योंकि जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे इस सभा में बैठने का कोई मतलब नहीं होता। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ। ये लोग बाहर गए, कुछ दिनों के बाद 20 जून को ये लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। 20 जून को ये लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, कहाँ इकट्ठा होते हैं, वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं, वर्साय के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर के ये लोग क्या कहते हैं, कौन से लोग, ये जो 600 लोग थे, ठीक है ना, ये जो 600 लोग थे ये 20 जून को वर्साय के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और खुद को फ्रांस की क्या घोषित कर देते हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। ये लोग ये बोलते हैं कि फ्रांस की जो जनता है जिसकी संख्या बहुत अधिक है उसका प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं, इसलिए फ्रांस की जनता के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारे पास है, ना कि हमारे ऊपर जो दो वर्ग बैठे हुए हैं जो कि समाज के सिर्फ 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पास। ये इस बात का मतलब प्रमाण ले करके ये लोग नेशनल असेंबली अपने आप को फ्रांस की घोषित कर देते हैं और ये शपथ लेते हैं कि जब तक इस राजा की निरंकुशता को समाप्त करने वाला संविधान हम लोग नहीं बना लेते तब तक हम लोग इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे और हम ही जो है फ्रांस के लिए कानून बनाने का कार्य करेंगे, भले ही राजा इस बात का विरोध करे या समर्थन करे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम फ्रांस की नेशनल असेंबली हैं और हम ही जो है फ्रांस के लिए कानून बनाने का कार्य करेंगे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, एक मिराबियो थे, मिराबियो जो कि कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे, और दूसरे थे आवेसिये, जो कि पादरी वर्ग से संबंध रखते थे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि विरोध किसका हो रहा है,
विरोध किसका हो रहा है? राजा का हो रहा है, और साथ ही साथ इस कुलीन वर्ग का और इस पागली वर्ग का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध का नेतृत्व भी मीराब्यो और आवेशिये नाम के दो उसी वर्ग के व्यक्ति कर रहे हैं जिसका की विरोध हो रहा है। इसका इसको देखने का मतलब ये है कि कोई भी क्रांति होती है, कोई भी बदलाव होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि बदलाव जिसके खिलाफ हो रहा हो उस वर्ग के लोग उस बदलाव का समर्थन ना कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हित की बात करते हैं, जो लोग मानवता की बात करते हैं और जो सच होता है सिर्फ उसका साथ साथ देते हैं। इसी का उदाहरण मीराब्यो और आवेशियो को माना जा सकता है। एक दूसरा पक्ष भी है जो कि अब हम अभी आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का होना किस तरीके से जो फ्रांस का संविधान बनता है उसमें इनकी कुलीनों की और पादरी वर्ग की जो ये सत्ता है इसको बरकरार रखने की कोशिश में भी झलकती है। तो इनके होने का दोनों पक्ष जो है हम लोग समझ सकते हैं। पहला पक्ष ये कि जो है ये लोग मानवता के लिए जो बदलाव है उसका समर्थन कर रहे हैं, और दूसरा ये बदलाव होने के बाद भी किस तरीके से अमीरों की सत्ता बरकरार रखी जाए उसमें ये लोग योगदान देते हैं। ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोगों ने समझ लिया कि जो है ये लोग जो जनता का वर्ग था उन्होंने स्टेट्स जनरल की मीटिंग का बहिष्कार किया, और दोबारा जो है ये लोग 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर के अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और एक ऐसा संविधान बनाने का शपथ लेते हैं जो कि इस राजा की निरंकुशता को समाप्त कर दे। ठीक, ये तो हो गई इन 600 लोगों की कहानी जो कि इस स्टेट्स ऑफ जनरल की मीटिंग में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इन 600 लोगों की बात हो गई। देखिए क्रांति की शुरुआत तो हो चुकी है। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो गई? हमने कल बताया था कि किसी भी क्रांति की शुरुआत जमीन पर होने से पहले विचारों के माध्यम से हो जाती है। तो विचारों के माध्यम से राजा का विरोध तो प्रारंभ हो चुका है, उसी दिन से हो चुका है। किस दिन से? 5 मई के दिन से, जिस दिन समाज के तीसरे वर्ग ने जनरल स्टेट्स की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया ये कहते हुए कि जब आप हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हमारा इस सभा में भाग लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, लेकिन अभी ये 600 लोग जो हैं इन्होंने तो नेशनल असेंबली बना ली, ये अब संविधान बनाने में व्यस्त हो गए। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आम जनता में क्या चल रहा था। जो फ्रांस की और जनता थी, आम जनता थी, जो इस मीटिंग में भाग नहीं ले रही थी, वो एक्चुअली में क्या कर रही थी, तो उसकी स्थिति अगर हम देखें तो ठंड से फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद हो चुकी थी, और हमने कल बताया था कि ऐसी स्थिति में जब फसल बर्बाद हो जाती थी तो जनता जो है करों के बोझ के नीचे दबी हुई थी, संपत्ति का बहुत ही कम हिस्सा उसके पास बचा हुआ था, किसी तरीके से खाने और जीने का उसका जो जीवन निर्वाह था किसी तरीके से हो रहा था। लेकिन इस फसल बर्बाद हो जाने के कारण, फसल के बर्बाद हो जाने के कारण उसका जो है जीवन यापन भी मुश्किल होने लगा, उसके ऊपर जीविका का संकट मंडराने लगा, और उसके बाद जो वहाँ का समाज का जो मुख्य मतलब खाद्य था, पावरोटी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी कीमतों ने आसमान को छू लिया। पावरोटी जो है बहुत महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी थी, पावरोटी को बनाने का सामान जो है वो कम मात्रा में आ रहा था, जनसंख्या ज्यादा थी, मांग ज्यादा थी, तो मांग और आपूर्ति के नियम से पावरोटी कम होने के कारण, इसकी मांग अधिक होने के कारण पावरोटी की कीमत जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। देखिए क्या होता है, जब समाज में कोई त्रासदी आती है, तो कुछ लोग होते हैं जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही फ्रांस का भी समाज था, फ्रांस के भी समाज में इस तरीके के लोग व्याप्त थे। तो जो कुछ बेकरी के मालिक थे उनको जब ये पता चला कि फसल खराब हो चुकी है तो कुछ दिन बाद हो सकता है कि पावरोटी की कीमतों में और अधिक वृद्धि हो जाए तो हमको और अधिक प्रॉफिट मिल जाएगा, वो और अधिक फायदा कमाने के लिए इस पावरोटी का उत्पादन जो है जानबूझ के कम करने लग गए। और इसके चक्कर में पावरोटी की दुकान पर महिलाओं की लाइन लगी हुई थी, पावरोटी कम थी, औरतों में गुस्सा था, उन्होंने दुकान पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ राजा ने क्या किया, राजा ने अपनी सेना को पेरिस में आने का जो है आदेश दे दिया, जिसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप लोगों में बहुत अधिक क्रोध भड़क गया और लोगों ने राजा की निरंकुशता की प्रतीक बास्टिल की दुर्ग को, किसको? बास्टिल की दुर्ग को, बास्टिल की दुर्ग को नेस्तनाबूत कर दिया। बास्टिल की दुर्ग को नेस्तनाबूत कर दिया। ये किस दिन हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई को, सम वही रहेगा, 14 जुलाई 1789 को जनता ने इस बास्टिल की दुर्ग पर आक्रमण किया
और जो है इस दुर्ग को नेस्तनाबूत कर दिया। ना ही इस बास्तेल के दुर्ग को नेस्तनाबूत किया बल्कि इसका इसकी इतनी खुशी थी लोगों में कि लोग इसकी जो मतलब अवशेष थे उसको स्मृति के तौर पर संजोना चाहते थे और बाकायदा उनकी बिक्री भी की गई। ठीक, अब देखिए कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक घटना घटती है पावरोटी की दुकान पर, एक पावरोटी की दुकान पर आक्रमण होता है। राजा जो है सेना को पेरिस में आने का आदेश देता है और उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप बास्तील की दुर्ग का पतन होता है। बास्तील की दुर्ग को ढहा दिया जाता है, उसमें जो हथियार हैं उनको लूट लिया जाता है, वहां के जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया जाता है। लेकिन ये घटना घटने के बाद जब इसकी खबर फ्रांस के गांवों में पहुंची तो वो किस रूप में पहुंची, वहां के लोगों को क्या पता चला, वहां ये खबर फैल गई कि राजा ने अपने सैनिकों को जनता के ऊपर गोली चलाने का आदेश देने का मन बना लिया है और जागीरदारों ने लठैतों और लुटेरों का समूह बुला लिया है जो कि जनता की फसलों को तबाह करने वाले हैं। इससे क्या हुआ, लोगों में जो है मतलब लोग सशंकित हो गए, डर गए और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप गांव में जो जागीरदारों के किले बने हुए थे उस पर बेलचों और कुदालों के साथ आक्रमण कर दिया, उनको जो है ढहाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया और जो जागीरदार थे वो मजबूर हो गए अपना घर छोड़ करके, अपने किलों को छोड़ करके भागने के लिए। बहुत सारे जागीरदार जो है भाग करके विदेशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति जो है फ्रांस में बन गई। फ्रांस की क्रांति पूरे जो है मतलब फ्रांस में स्टार्ट हो चुकी थी, जनता जो है सड़कों पर उतर चुकी थी, उसके हाथ में हथियार थे और दूसरी तरफ क्या क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली जो बनी थी मिराबियो और आबेसिये के नेतृत्व में, वो अभी भी फ्रांस के लिए एक संविधान तैयार करने में लगी हुई थी। अब ये जो मतलब क्रांति की शुरुआत हो गई तो लुई 16वां जो है जब उसने देखा कि हमारी पूरी जनता जो है भड़क चुकी है, अब इसको नियंत्रित करना मुश्किल है, तो उसने जो नेशनल असेंबली थी इसको मान्यता दे दी। इसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। आप लोग देख रहे हैं जो कि एक राजा पहले निरंकुश था, ठीक है, लोग जो है अब जब अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, जब सभा को छोड़ करके जा रहे थे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वही लोग जब हथियारों के साथ सड़कों पर आ गए तो वही राजा मजबूर होके इस नेशनल असेंबली को राजकीय मान्यता देने के लिए बाध्य हो गया और उसने ये भी कहा कि ये नेशनल असेंबली जो भी संविधान बनाएगी ये नेशनल असेंबली जो भी संविधान बना देगी राजा जो है उस संविधान का पालन करने के लिए बाध्य होगा। राजा ने इस नेशनल असेंबली को मान्यता दी और कहा कि ये नेशनल असेंबली लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि ये नेशनल असेंबली जो भी संविधान बना देगी मैं उसी संविधान के दायरे में रह करके शासन का कार्य चलाऊंगा। ठीक, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, राजा जो है इस संविधान को मान्यता देने के लिए मान गया। इसी के साथ क्या हुआ, जो फ्रांस था जो कि अभी तक एक निरंकुश राजतंत्र था, अब वो निरंकुश राजतंत्र न रह करके एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ चुका था। ऐसा निरंकुश राजतंत्र में और संवैधानिक राजतंत्र में क्या अंतर होता है, निरंकुश जो राजतंत्र होता है वहां राजा के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, राजा अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करता है, और जो संवैधानिक राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है, एक संविधान होता है देश का जो कि नेशनल असेंबली या फिर संसद आप जो भी कह लें उसके द्वारा बनाया जाता है और राजा उस संविधान के दायरे में रह करके शासन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। यानी कि अब जो फ्रांस है वो एक निरंकुश राजतंत्र ना हो करके ये एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ चला था। किसकी तरफ बढ़ चला था, संवैधानिक राजतंत्र की तरफ बढ़ चला था, संवैधानिक राजतंत्र। अब हम लोग देखेंगे कि इस जो संवैधानिक राजतंत्र बना उसकी संरचना कैसी थी, संवैधानिक राजतंत्र। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो है फ्रांस में एक नई जो है राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई वो कैसी थी। तो इसमें फ्रांस की जो मतलब क्रांति हुई और क्रांति के बाद जो है लोगों के विद्रोह के बाद जो है राजा ने संविधान को मान्यता दे दी और उस संविधान के तहत क्या किया गया, पूरे प्रशासन को तीन भागों में बांट दिया गया, कौन कौन से, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका।
ठीक। ये जो न्यायपालिका है इसका प्रमुख कौन होता था? न्यायाधीश हुआ करता था। और ये कहां से आता था? न्यायाधीश जो है ये सक्रिय जो नागरिक थे, सक्रिय नागरिक जो थे इनके द्वारा चुन करके आता था, जो समाज के सक्रिय नागरिक थे ये न्यायाधीश को चुनते थे और न्यायाधीश जो होता था वो न्यायपालिका का प्रमुख हुआ करता था। दूसरा जो था विधान पालिका, इस विधान पालिका मतलब जो थी वो नेशनल असेंबली जो बनी थी, नेशनल असेंबली जो बनी थी, असेंबली जो बनी थी, नेशनल असेंबली कौन सी नेशनल असेंबली? जो आवेशीय और मिराबियो के नेतृत्व में बनी थी, उसी नेशनल असेंबली को विधान पालिका की मान्यता दे दी गई। इसी नेशनल असेंबली को अधिकार दिया गया कि अब ये फ्रांस के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। और कार्यपालिका का जो प्रमुख माना गया वो सम्राट को माना गया, सम्राट को यानी कि राजा को माना गया, और इसके नीचे कार्य करती थी करने वाले जो इसके मंत्री थे, ये अपनी मंत्रियों के माध्यम से सम्राट जो है शासन करता था, जो कि कार्यपालिका के अंतर्गत आते थे। और विधान पालिका का काम कौन करती थी? नेशनल असेंबली करती थी। और ये नेशनल असेंबली इन दोनों लोगों के ऊपर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती थी। ये लोग नेशनल असेंबली की सलाह पर ही कार्य करते थे, अपनी मर्जी से ये कुछ नहीं करते थे। इसीलिए इनको जो है अब निरंकुश राजतंत्र न कहके हम लोग संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो है संविधान के तहत इस नेशनल असेंबली की सलाह पर कार्य करने को बाध्य हो गए हैं। अच्छा, अब ये नेशनल असेंबली बनती कैसे थी, नेशनल असेंबली आती कहां से थी? तो इसको चुना जाता था, किसके द्वारा चुना जाता था? निर्वाचकों द्वारा चुना जाता था। नेशनल असेंबली जो थी इसमें कितने सदस्य होते थे? 745 सदस्य इसके चुन करके आते थे, जिनसे नेशनल असेंबली का निर्माण होता था। ये 745 सदस्य कैसे चुने जाते थे? तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप की जो प्रक्रिया थी, अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके ये 745 लोग आते थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इनको चुना जाता था, ठीक। इनका एक निर्वाचक मंडल होता था, निर्वाचक मंडल होता था, निर्वाचक मंडल होता था जो कि इस नेशनल असेंबली का चुनाव करता था। और ये निर्वाचक मंडल कौन कहां से आता था? इस निर्वाचक मंडल का चुनाव करने के लिए समाज को दो भागों में बांटा गया था, जो जनता थी उसको दो भागों में बांट दिया गया था। देखिए, फ्रांस की जब ये संविधान बन गया ना, तो संविधान के बाद फ्रांस के जितने लोग थे, फ्रांस में रहने वाले सभी लोगों को सिर्फ एक नाम से बुलाया गया और उनको नागरिक कहा गया, ठीक है ना। और इन्हीं नागरिकों को दो भागों में बांटा गया, एक को सक्रिय नागरिक कहा गया, एक को सक्रिय नागरिक कहा गया और दूसरे को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, जो फ्रांस की पूरी मतलब जनता थी उन सभी लोगों को मिलाकर के नागरिक कहा गया। और इन नागरिकों को दो भागों में बांटा गया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन कौन से लोग थे? वे लोग जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, वो लोग सक्रिय नागरिकों की श्रेणी में रखे गए। उनको अधिकार दिया गया कि इस निर्वाचक मंडल के जो लोग होंगे इनका चुनाव ये सक्रिय नागरिक कर पाएंगे, ठीक। अब ये सक्रिय नागरिक क्या करेंगे? सक्रिय नागरिक इस निर्वाचक मंडल का चुनाव करेंगे। और फिर ये निर्वाचक मंडल क्या करेगा? इस 745 से लोगों की जो नेशनल असेंबली बन रही है, इस नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करेगी। और अंततः इस नेशनल असेंबली का निर्माण होगा, जो कि राजा और मंत्री के ऊपर नियंत्रण रखेगी और पूरी प्रशासन व्यवस्था को देखेगी। यही सक्रिय नागरिक जो थे यही न्यायाधीश का भी चुनाव कर रहे थे, जो कि न्यायपालिका का प्रमुख हुआ करता था और समाज के न्यायिक कार्यों को देखता था, ठीक है। देखिए, अभी ये जो हमने बताया था ना कि ये जो दो लोग थे, पादरी वर्ग के आवेशीय और कुलीन वर्ग के मिराबियो, इनका प्रभाव आप यहाँ देख सकते हैं कि निष्क्रिय नागरिकों के रूप में उन लोगों को मतलब डिवाइड कर दिया गया, जो लोग कर नहीं चुकाते थे। पूरी की पूरी समाज की पूरी महिलाएं जो हैं वो इस निष्क्रिय नागरिक के रूप में रखी गई, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। 25 वर्ष से कम के जो लोग थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया और उनको भी इसी निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। आप लोग मानसिकता देख पा रहे हैं, इस नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया उसकी मानसिकता क्या कह रही है? औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं देना है, जो गरीब लोग हैं उनको, जो गरीब पुरुष हैं उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं देना है, जो 25 वर्ष से कम हैं
उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं देना है। यानी कि वोट कौन देगा? 25 वर्ष से ऊपर के वे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, वही सक्रिय नागरिक के रूप में माने जाएंगे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन इसके ऊपर की बात अगर हम करें, इस निर्वाचक मंडल में शामिल होने के लिए, इस निर्वाचक मंडल में चुनाव में खड़े होने के लिए कि मैं भी निर्वाचक मंडल में शामिल होना चाहता हूं, समाज के उच्च वर्ग में शामिल होना आवश्यक था। यानी कि अमीर उच्च करदाताओं की जो श्रेणी थी, जो सबसे ज्यादा कर देने वाले लोग थे, उनमें शामिल होने वाले लोग ही इस निर्वाचक मंडल के लिए चुनाव लड़ सकते थे और इस नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ सकते थे। बाकी इन निष्क्रिय और सक्रिय मतदाताओं को बिल्कुल भी इस निर्वाचक मंडल में चयनित होने का अधिकार नहीं था। ये सक्रिय मतदाता जो 3 दिन के बराबर कर चुकाते थे, उस बदले में सिर्फ निर्वाचक मंडल के लिए वोट देने का अधिकार पाते थे, निर्वाचित होने का अधिकार अभी भी इनके पास नहीं था। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए कि अभी मतलब जो फ्रांस है, पहले एक निरंकुश राजतंत्र था और अभी जो फ्रांस है ये एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ चला है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस जो है इस राजतंत्र को ही उखाड़ करके फेंक देता है और पहली बार गणतंत्र की अवधारणा जो है उभर करके सामने आती है। आज हम लोग बस यहीं पे खत्म करते हैं और कल की वीडियो में हम लोग गणतंत्र के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में गणतंत्र आता है, किस तरीके से आतंक का दौर आता है और किस तरीके से फिर ये सारी व्यवस्था विफल होती है और लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। और फिर हम ये भी देखने का मतलब प्रयास करेंगे कल की क्लास में कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जिन्होंने अगर माना जाए हकीकत में जमीन पर इस क्रांति की शुरुआत की थी, उनके लिए भी इस समाज में क्रांति हुई थी कि नहीं हुई थी, उनकी दशा में क्या परिवर्तन हुए या फिर नहीं हुए, हुए तो क्या हुए, ये सारी बातें हम लोग कल की वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो भी आपको मतलब देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।